inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. So what's good YouTube, this is Deeku and today I'm back with another video. So guys, this video is about the green crackers and जो भी मैं green crackers लाया हूँ मैं test करने वाला हूँ. इससे पहले भी आपने वीडियो देखी होगी green crackers stash 2019 की वीडियो. सो इफ़ यू हैवेंट आई बटन में आया कहीं पे भी आ रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक में डाल दूंगा ग्रीन क्रैकर्स स्टैश 2019 की वीडियो एंड दिस इज द ग्रीन क्रैकर्स स्टैश 2019 टेस्टिंग वीडियो. तो स्टे ट्यून्ड एंड जो भी मैं ग्रीन क्रैकर लाऊं तो मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा. ज़्यादा तो है नहीं बट जितने भी हैं मैं बहुत सारे टेस्ट करके दिखाऊंगा. सो या स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द फुल व्लॉग. सो गाइस फर्स्ट आई विल बी ट्राइंग दिस फुल जड़ी जो मैं लाया था कलर्ड स्पार्कलर्स. ये देख सकते हो ये रोशनी कंपनी के एंड यहाँ पे ग्रीन ये ग्रीन क्रैकर है. नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन ये देख सकते हो ये ग्रीन क्रैकर का ये वाला सिंबल होता है. पहले भी मैंने दिखा था ग्रीन फायर क्रैकर्स ये लिखा हुआ है इसमें CSIR इंडिया ये सारा है. ये पूरा फुल जड़ी है जो ग्रीन वाली है एंड ये अनार एंड थोड़े और माचिस बम फुल जड़ी और स्काई शॉट्स वगैरह भी हैं वो मैं दिखाऊंगा ग्रीन वाले. अभी पहले इसको इससे अनार जलाते हैं एंड गाइस ये जो अनार है मेरे पास ये आप देख सकते हो कि ग्रीन क्रैकर्स वाला है. ये लोगो है 2-in-1 वाला अनार है एंड मेरे पास नॉर्मल वाले फ्लावर पॉट भी हैं तो दोनों जला के देखेंगे. ये देख सकते हो 2-in-1 इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिड्यूस एमिशन. तो ये ट्राई करते हैं और इस फूल जड़ी से उसको जलाएंगे. सो गाइस ये है 2-in-1 वाला अनार ये देख सकते हो रेड वाला एंड इसे अब जलाते हैं. ये है ग्रीन क्रैकर्स वाली फुलझड़ी देख तो एंड अनार वहाँ पे पड़ा है. अनार को जलाते हैं. ये अनार है भाई. इसको चलने में कितना टाइम लग रहा है. मैंने उसको ऊपर ही छोड़ दिया उसको क्योंकि जल नहीं आता. ये रहा अनार जल गया. इसकी हाइट काफ़ी है 2-in-1 वाली तो इसकी हाइट काफ़ी थी एंड आप पोल्यूशन देख सकते हो. इससे पोल्यूशन तो काफ़ी हुआ. तो ग्रीन क्रैकर्स में और नॉर्मल क्रैकर्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं दिखा मुझे इस वाले में एंड ये देख सकते हो इसको टाइम भी लगा काफ़ी जलने में. मैंने उसके ऊपर छोड़ दी थी देख सकते हो अभी भी काफ़ी टाइम लगा इसको. सो ये दूसरी टाइप की ग्रीन क्रैकर्स में आती है रेड स्पार्कलर्स. तो ये हम ट्राई करने वाले हैं एंड ये वाला जो ग्रीन अनार आया है चक्री आई है इस बार वो हम ट्राई करने वाले हैं. तो लेट्स ट्राई. सो ये जो फुलझड़ी इसको जलाते हैं एंड फिर चक्री को डालते हैं. ये रेड स्पार्कलर वाली फुलझड़ी है ये भी ग्रीन क्रैकर्स के अंदर आती है. मार्केट में मिल जा आजकल मिल रही है मतलब दूसरी मिल जाएगी आपको. यू कैन सी ये है फुलझड़ी रेड वाली एंड ये चक्री को अभी हम करने वाले हैं. तो भाई ये देख सकते हो चक्री है ग्रीन वाली.
तो बेसिकली वो ग्रीन वाली चक्री थी एंड वो अभी भी चल रहा है, जो फुलझड़ी है वो अभी चल रही है। सो गाइस नाउ वी गोना ट्राई दिस स्काई शॉट जो मैं लाया था मार्केट से, एंड मैं एक बार फोकस करके आपको दिखा देता हूँ स्काई शॉट। एक मिनट से दिखा देता हूँ, ये है स्काई शॉट ग्रीन क्रैकर्स का जो इस साल आया स्काई शॉट, तो इसको मैं ट्राई करने वाला हूँ। एंड ये है ग्रीन वाली फुलझड़ी जो नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन वाला मैंने आपको पहले दिखाया था उसकी वाली। एंड इसमें बेसिकली जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं उसमें सल्फर एंड बेरियम आई थिंक उनकी क्वांटिटी कम होती है काफ़ी, तो 30% बेसिकली लेस पोल्यूशन गवर्नमेंट ने कहा है कि करते हैं। अब मैंने अभी जितने भी ट्राई करे हैं मेरे हिसाब से पोल्यूशन इतनी ही हो रही है जितनी पहले होती थी ग्रीन क्रैकर, उसमें डिफरेंस नहीं है। उसका स्काई शॉट में माचिस से चलाऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा सेफ रहता है बेसिकली। तो ये इस बार का ग्रीन वाला जो स्काई शॉट है वो आया है, तो ये था बेसिकली। सो ये गाइस माचिस बॉम जो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, नॉर्मल मार्केट्स में भी मिल रहा है, एंड ये भी काइंड ऑफ ग्रीन क्रैकर्स में होता है, इसमें कोई लोगो वोगो नहीं है, बट इसकी कम पोल्यूशन होती है तो नॉर्मली लोग लीगली बेच रहे हैं, तो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। इसकी आवाज़ तो बहुत मतलब बहुत कम थी, एंड नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। बहुत इस वाले पैकेट में बहुत सारे होते हैं, तो ऐसी लाउड साउंड होती है एंड इसमें पोल्यूशन बहुत कम होता है, तो ये वाला आप क्रैकर ज़्यादा यूज़ करो जिससे पोल्यूशन कम होता है। वही ये थे माचिस बॉम, एंड अब मैं वो एक अनार ट्राई करने वाला हूँ जो मैं लाया था, एक और अनार ग्रीन क्रैकर्स का। सो गाइस एक और अनार है अशरफी, जो मटका अनार बेसिकली इसको कहते हैं, तो ये अनार है, ये भी ग्रीन फायर क्रैकर्स का है। इसके आपको ये मिलते हैं 5, एक मैंने 10 भी यूज़ कर लिया था, तो ये एक बार इसको मैं ट्राई करके दिखाता हूँ कि कैसा चलता है। ये नॉर्मल आपको जहाँ पे भी फायरवर्क्स में जिनको भी लाइसेंस मिला है उनके पास, ये सबके पास अनार हैं एंड काफ़ी क्वान्टिटी में, तो ये आपको दिवाली तक आराम से मिल जाएंगे, तो ये वाला मैं ट्राई करके दिखाता हूँ क्योंकि मोस्टली हर दुकान पर यही मिल रहा है ग्रीन क्रैकर्स। सो गाइस ये ग्रीन वाली फुलझड़ी जो मैं जलाने वाला हूँ एंड ग्रीन वाला अनार जो मैं फोड़ूंगा, तो ये देखते हैं। एंड जो मैंने अभी तक नोटिस करा है, रेड वाले जो स्पार्कलर्स थे वो बहुत फास्ट जले थे, एंड जो ग्रीन वाले जो स्पार्कलर्स हैं ग्रीन क्रैकर्स वाले वो मतलब जिनमें लोगो बना हुआ है वो थोड़े स्लो जल रहे हैं। रेड वाले भी एक्चुअली कंसिडर होते हैं उसमें क्योंकि उसमें भी मतलब कम ही होता है जो भी होता है। एंड ये ग्रीन अनार उसको जल्दी मैंने वहाँ पे प्लेस कर दिया अनार, तो देखता हूँ। तो ये रहा अनार वाला, इसको जलाते हैं। उसके ऊपर आपको फुलझड़ी रखनी होती है एंड ये नॉर्मल उससे नहीं जलेगा किसी से, आपको फुलझड़ी से जलाना होगा। एंड ये देख सकते हो, तो ये जो अनार है इसकी क्वांटिटी बहुत सही थी एंड ये काफ़ी टाइम तक मतलब ड्यूरेशन की अच्छी है। जो अनार ये मटका वाले अनार होते हैं नॉर्मल वाले फ्लावर पॉट से, एंड वर्ड पोल्यूशन इससे मुझे लगता नहीं है कि कहीं पे भी कम हुआ है, तो आप वो देख सकते हो, ये पोल्यूशन आपको दिख रहा होगा शायद वीडियो में, ये सारा पोल्यूशन है। एंड ग्रीन क्रैकर से मेरे हिसाब से कोई पोल्यूशन कम नहीं हुआ है। ये जो ग्रीन वाली फुलझड़ी है इसमें भी लोग कह रहे थे कि बहुत कम पोल्यूशन हुआ है, पर आप देख सकते हो मतलब इतना भी नहीं है पोल्यूशन, तो नॉर्मल फुलझड़ी जितना ही है। तो ये है, एंड गाइस मेरे पास एक और है ग्रीन क्रैकर्स, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और मैंने क्रैकर्स रखे हुए हैं थोड़े दूर, कैसे उसमें आग वाग ना चल जाए, तो सारे ग्रीन क्रैकर्स पड़े हैं जहाँ पे। एक मेरे पास स्पेशल वाला इस बार आया है जो आपने फायरवर्क स्टैश वाली वीडियो में देखा होगा, ये है ग्रीन वाले फ्लावर पॉट्स।
तो ये लास्ट में एक बार ट्राई करके देखते हैं, ये लास्ट मेरा ग्रीन क्रैकर बचा है अभी, तो एक बार ये वाला ट्राई करके देखते हैं फ्लावर पॉट्स ग्रीन। सो गाइस मैंने अभी ग्रीन क्रैकर जो चलाए थे उसका मैं पूरा पॉल्यूशन देख सकता हूँ, तो ग्रीन क्रैकर से मेरे हिसाब से तो कोई पॉल्यूशन कम नहीं हुआ है, या आप खुद ही देख सकते हो कैसे पॉल्यूशन जा रहा है, तो कम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो इसकी एक बार अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ मैं। ये चीमा ब्रांड के जो ग्रीन क्रैकर्स आए हैं ये बहुत कम मार्केट में मिल रहे हैं चीमा ब्रांड के, नहीं तो नॉर्मल जो मैंने आपको मटका अनार और फुलझड़ी दिखाई है वो बेसिकली सारे मार्केट्स में मिल रहे हैं। ये जो अनार है काफ़ी कम मार्केट में मिल रहा है जो ग्रीन वाला है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम आई है इस बार मार्केट में। तो एक बार मैं इसको देखता हूँ, इसमें 10 पीसेज हैं एज यू कैन सी, अभी रात है तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक बार मैं इसे लाइट में दिखाता हूँ। 10 पीसेज हैं इसके, तो एक बार ये खोल के देखते हैं। तो ऐसे टाइप के हैं अनार ये, एंड इसको तो फुलझड़ी से भी जला सकते हैं क्योंकि इसका पीक काफ़ी मतलब है यहाँ पे, तो इसको तो हम फुलझड़ी से भी मतलब नॉर्मल माचिस से जला सकते हैं, बट मैं फुलझड़ी से जलाऊँगा क्योंकि वो ज़्यादा सेफ रहता है, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा, बट स्काई शॉट्स आप उससे ही जलाया करो माचिस से। तो ये देखते हैं इसकी मतलब बड़ा लग रहा है, देखते हैं मटका अनार बेटर रहेगा ये। सो गाइस ये मैं फिर से रेड स्पार्कल लाया तो क्योंकि ये बहुत फास्ट जल रही है एज कम्पेयर टू जो भी दूसरी वाली है। देखो गाइस इतनी जल्दी जल गई विद इन लाइक 6-7 seconds, एंड जो अनार मेरे पास है वो है ये वाला, एंड ये देखते हैं ग्रीन चीमा ब्रांड का जो है कैसे चलता है। तो इसकी भी हाइट मटका अनार जैसी थी, थोड़ी क्वांटिटी कम थी बट ये भी काफ़ी अच्छा चला, एंड ग्रीन ये भी ग्रीन वाला था, इससे भी थोड़ी पॉल्यूशन तो हुई है ऑब्वियसली, बट इससे मेरे हिसाब से ये चीमा जो चीमा ब्रांड का था इससे कम पॉल्यूशन हुई है। एंड ये देख सकते हो ये फुलझड़ी रेड स्पार्कलर्स वाली जो काफ़ी जल्दी चल रही है, एंड नॉर्मल जो मैं ग्रीन वाली लाया हूँ वो बहुत स्लो चल रही है, तो इसको रख देते हैं, एंड मैं ग्रीन वाली एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। एंड अगर आप लेने जा रहे हो क्रैकर्स तो गाइस मैं प्रेफर करूँगा कि ये वाली ले लो, ये वाली रेड स्पार्कलर जो मैंने अभी जलाई है, एंड ये जो नाओ ग्रीन रेवोल्यूशन वाली है ये स्लो जल रही है, बट अगर आपको ये मिल रही है ईजिली तो ये ले लो, इतनी बुरी नहीं है बट ये स्लो जल रही है। सो गाइस आई एम नाउ गोना एंड दिस व्लॉग हियर, एंड होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। सो या बाय गाइस।